तुमको इस आने वाले मनी नेटरों में हमें काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये मनी नेटरों फाइनल मनी नेटरों होने वाली है रेसलमेनिया 40 से पहले, यानी कि इसके बाद हमें रेसलमेनिया 40 देखने को मिलेगा और इस मनी नेटरों में हमें द रॉक देखने को मिलेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि द रॉक ही सिर्फ इस मनी नेटरों में रिटर्न करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द रॉक के साथ साथ ट्राइबल चीफ भी ऑफिशियली कन्फर्म में इस मनी नेटरों में रिटर्न करने के लिए, यानी कि हमें द ब्लड नेम पूरी देखने को मिलेगी इस मनी नेटरों में, यानी कि फाइनल मनी नेटरों में, वो भी द रॉक के साथ। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मनी नेटरों कितनी ज़्यादा कमाल की होगी और कितनी ज़्यादा धमाकेदार होगी। और गैस, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, इस मंडे नेटरों में हमें यानी कि फाइट लास्ट में देखने को मिलेगी दोनों टीमों के दरमियान, टीम कोडी रूट्स और ड्रीम रोमन रेस। टीम कोडी रूट्स में सेथ रोलिंग भी होंगे, जे उसो भी होंगे और कोडी रूट्स भी होंगे, ये तीन होंगे और द ब्लड लाइन भी होगी। तो इन दोनों में हमें फाइट लास्ट में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये फाइनल ड्रॉ होने वाली है। तो ऐसे में 100% चांसेस हैं इन दोनों टीमों के दरमियान फाइट यानी कि फाइट होने के। तो फिर देखते हैं क्या नहीं। तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि इस मनी नेटरों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ऐसे मनी नेटरों बार बार देखने को नहीं मिलने वाले। और गैस, जो सेकंड अपडेट है वो आज के स्मैकडाउन को लेकर, आज का स्मैकडाउन में हमें इतना बवाल देखने को नहीं मिला, ना ही इतना कुछ खास देखने को मिला है, लेकिन कुछ सेगमेंट थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा नोट करने वाला है। जैसे कि हमें आज बैक स्टेज में पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिला था, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि द रॉक ने जो लास्ट मनी नेटरों में कोडी रूट्स की पिटाई की है, कोडी रूट्स पर अटैक किया है, कोडी रूट्स का जो ब्लड निकाला है वो ट्राइबल चीफ के कहने पर निकाला है, यानी कि ट्राइबल चीफ के ऑर्डर पर निकाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है कि ट्राइबल चीफ ने ऑर्डर किया था द रॉक को, यानी कि द रॉक को, तो द रॉक कितने ज़रा बड़े सुपरस्टार हैं, ट्राइबल चीफ ने ऑर्डर किया था कि द रॉक को कि वो कोडी रूट्स की पिटाई करें, कोडी रूट्स पर अटैक करें। और इसके साथ हमें सोलस को भी ये कहते हुए देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं कि वो नेक्स्ट मंडे नेटरों में जे ओसो को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, वो भी सिर्फ ट्राइबल चीफ के कहने पर, यानी कि ट्राइबल चीफ वहाँ पर बैठे बैठे अपने ऑर्डर जमा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था और इसको देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और इससे भी ज़्यादा मज़ा हमें आएगा नेक्स्ट मंडे नेटरों को देखने में। तो आप लोग इस मंडे नेटरों को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये मैं बात आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ। और गाइस, जो लास्ट एंड फाइनल अपडेट है वो सेथ रोलिन को लेकर है, यानी कि सेथ रोलिन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ आ रही है कि सेथ रोलिन सच में अपने टाइटल को हारने वाले हैं, यानी WWE हेवीवेट चैंपियनशिप को हार जाएंगे रेसलमेनिया 40 में। और काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी आ रहे हैं और बैटिंग कोच के लिहाज से सेथ रोलिन हारने के लिए फेवरेट है और ड्रू मैकइंटायर इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। और गाइस, जो मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा सोचना है, मेरी थिंकिंग है, वो भी यही है कि सेथ रोलिन सच में हारने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में और ड्रू मैकइंटायर इस मैच को जीतेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बैड नाइट होगी सेथ रोलिन के लिए, सेथ रोलिन की फैमिली के लिए और सेथ रोलिन के फैंस के लिए, क्योंकि सेथ रोलिन के फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं सेथ रोलिन को। क्योंकि आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी सेथ रोलिन रिंग में आते हैं तो WWE क्राउड उनके साथ सेथ रोलिन का थीम सॉन्ग को हमेशा ही गाता है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा बैड नाइट होगी सेथ रोलिन के लिए, लेकिन देखते हैं गाइस क्या होता है क्या नहीं। शायद 1% चांस है कि सेथ रोलिन अपने टाइटल को रिटेन करें और ऐसा शायद हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी कर देगा सेथ रोलिन के फैंस के लिए। तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस, बस आज की इस वीडियो में यही तीन अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर लाजमी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।